तुमसे विदा लेने आया हूं नितिन। विदा? मैं समझा नहीं। मैं कलकत्ता छोड़कर जा रहा हूं। कहां? कलकत्ता से बहुत दूर एक छोटे से गांव में। वहां क्या करोगे? स्कूल में एक नौकरी स्वीकार कर ली है। ये तुम्हें क्या सूझी? इतनी ऊंची शिक्षा लेकर तुम और गांव के स्कूल में मास्टरी? हां, इसमें मुझे कोई हर्ज नजर नहीं आता। सुनो असीम, तुम अपने को धोखा तो नहीं दे रहे हो? सीमा से नाराज होकर गुस्से में उठाया हुआ कदम तो नहीं है ये? नहीं नितिन, ऐसा कुछ नहीं है। और सीमा से मैं नाराज भी नहीं हूं, बल्कि ये काम तुम्हें बहुत उत्साह से करने जा रहा हूं। लेकिन असीम, यहां कलकत्ता में एक से एक बड़ी नौकरियां हैं, तुम्हें नौकरी मिलना इतना मुश्किल भी नहीं होगा। नितिन, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। सीधे सादे भोले निष्कपट लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है। और फिर मेरी ऊंची शिक्षा का फायदा गांव वालों को भी तो होना चाहिए। पता नहीं, मुझे तुम्हारा यह निर्णय कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नितिन, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, अगर कभी मुझे अपना निर्णय गलत लगा तो मैं सीधे तुम्हारे पास आऊंगा। नितिन, मैं अपने साथ हराधन काका को भी ले जा रहा हूं। अच्छा है, बचपन से उन्होंने तुम्हें देखा है, यार दोस्तों से वो तुम्हें ज्यादा ठीक समझेंगे। अच्छा, तो मैं चलता हूं। गुड लक। तुम जहां भी जाओ, जिस काम में हाथ डालो उसमें तुम्हें सफलता मिले, लेकिन हमें भूल मत जाना असीम। ठीक यही बात मैं तुमसे भी कहना चाहता हूं। अच्छा चलो। तुम्हारी फेवरेट पेंटिंग, वो अस्त होता सूर्य, वो वृक्षों की ओर लौटते हुए पक्षी, वो कारखानों और मीलों की क्लांत और परास चिमनियां, और उन सब के ऊपर दूर दूर तक फैला हुआ वीतरागी आकाश। तुम मेरे साथ फूस की झोपड़ी में रहोगी, खेती करोगी, पोखर से पानी भरकर लाओगी। तुम्हारी कल्पना रोचक है असीम, बट आई एम सॉरी, मैं अपने आप को उसमें फिट नहीं पाती, और मेरे ख्याल में कोई भी लड़की अपने आप को उसमें फिट नहीं कर पाएगी। अगर जीवन जीने का तुम्हारा यही आदर्श है तो शादी का ख्याल छोड़ दो, तुम खुद भी दुखी रहोगे और जिसे घर में लाओगे वो भी दुखी रहेगी। সদায় ওই মাটির টানে, মাটির টানে
आई फिर आई जश्ने चले से आछे रांगा माटी तुर पाने साहब यही रहेंगे क्या? मैं तीन कौड़ी। तीन कौड़ी? जी मैं तीन कौड़ी। आप? मैं हराधन, हराधन काका। असीम यानी नए हेडमास्टर साहब का पुराना नौकर हूं मैं। मैंने उनको बचपन से पाला। यानी असीम साहब अभी स्कूल का सेक्रेटरी साहब से मिलने गए हैं। यानी प्रसन्न बाबू से मिलने गए हैं। उनके लिए थोड़े से रसगुल्ले। उनके लिए? जी हाँ, असीम साहब के लिए। ठीक है, मैं फिर कभी उनसे मिल लूंगा। नमस्ते। ये तुमने बहुत अच्छा किया मास्टर कि यहाँ चले आए। सच मानो तो तुम्हारा पत्र पाने के बाद भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे पास एक नौजवान लड़का कलकत्ते की रौनक छोड़ के एक गांव के छोटे मोटे स्कूल में हेडमास्टरी करने आएगा। मैं तो मास्टर उसे कह भी दिया था, देखो भैया ये लड़का मुझे चकमा दे रहा, आएगा नहीं वो। लेकिन तब तुम आ गए और तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। सच पूछो तो मेरे सर का बोझी हल्का हो। देखो भैया, मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, शरीर मेरा साथ नहीं देता और वो जो स्कूल है ना उसमें हम हमेशा के लिए समस्या ही समस्या है। मुझे तो तुम्हारे तरह एक नौजवान की जरूरत थी। अब तो तुम्हें स्कूल सौंप कर मैं निश्चित हो जाऊंगा। तुम जानो भैया और तुम्हारा स्कूल। लगा स्कूल? बहुत अच्छा आनंदा, यहाँ बहुत कुछ है करने को। अच्छा? मैं जो सोच कर आया था ना वो सब कुछ यहाँ कर सकूंगा। मुझे लगता है मेरे आदर्शवादी जीवन की जैसे
से भोर होने को है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। ये बहुत शोर कर रहे हो तुम लोग। बैठ जाओ। तुम्हारे टीचर नहीं आए? हमारा टीचर बीमार है सर। बीमार तो समर जी है। अच्छा, किस चीज की क्लास है? कहानी की। कहानी की? तुम्हारा नाम क्या है? प्रशांत माइती। प्रशांत, कहानी की किताब निकालो और जोर जोर से पढ़ो। सर, किताब की कहानी नहीं, आज आपको ही कहानी सुनाइए। एक अच्छी सी कहानी जो हमने आज तक कभी नहीं सुनी है। मैं कहानी सुनाऊं? हाँ सर। ठीक है, तो मैं कहानी सुनाता हूँ, लेकिन सब बच्चे उस कहानी को अपनी कॉपी में लिख कर लाएंगे। ठीक है? जी सर। तो सुनो, ये कहानी महाभारत से है। पांचों पांडव घूमते हुए जंगल में कोसों दूर निकल गए। चलते चलते उनको प्यास लगने लगी। तब सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने छोटे भाई नकुल से कहा कि नकुल, जाओ देखो आसपास कहीं पानी हो तो पानी लेकर आओ। नकुल चल पड़ा। चलते चलते बहुत दूर आ गया। तब उसने देखा सामने एक सरोवर है। सरोवर देखकर उसकी प्यास और भड़क उठी। उसने सोचा पहले मैं पानी पी लूं फिर लेकर जाऊंगा। तो वो सरोवर के पास पहुंचा और पहुंचकर जैसे ही अंजुरी भर के पानी पीने वाला था कि अचानक, ये मास्टर है? फिर खड़े हो गए। बैठो बैठो बैठो। क्या पढ़ा रहे हो बच्चों, जरा सुनो तो। मैं बच्चों को महाभारत से एक प्रसंग पढ़ा रहा था। महाभारत का प्रसंग? जी। अरे वाह, हट के बैठ, बैठने दे जरा। अरे भाई, पढ़ा रहे तो पढ़ाते रहो, बेकार का समय नष्ट मत करो। हाँ सुनाओ, क्या हुआ आगे? हाँ तो बच्चों, नकुल जैसे ही पानी पीने वाला था यक्ष ने उससे प्रश्न किया, लेकिन नकुल उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया और मूर्छित हो गया। बाकी भाइयों की भी यही दशा हुई। अंत में युधिष्ठिर आए, उनको भी बहुत जोर से प्यास लगी हुई थी। जैसे ही उन्होंने पानी पीने की कोशिश की, यक्ष जोर से बोला, बताओ धरती से भारी कौन है? वो बोले, माता। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? मन। जीवन की राह क्या है? महापुरुषों के बताए हुए जिस मार्ग पर हम चलते हैं वही जीवन की राह है। ये राह है जीवन की राह, जो जीवन की सुबह से शुरू होकर मृत्यु की शाम तक चली गई है। बहुत कठिन है ये राह, बहुत दुर्गम। ये सब क्या कह रहे हो मास्टर, बड़ा साफ साफ तो कहो। अरे राहें तो चलने के लिए ही बनी है। अगर समझो कि मैं यहां से चल दूं तो पहुंच जाओ कालीनगर, और उससे आगे रसूलपुर, और फिर आगे है छोटा सा गांव, और फिर समुंदर। ये राहें तो मैं जानता हूं, लेकिन तुम किन राहों के बारे में कह रहे हो मुझे समझ नहीं आया। देखिए, ये राह है सांसारिक जीवन की राह। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि तर्क वितर्क के झमेलों में न पड़कर महापुरुषों ने जिस तरह जीवन व्यतीत किया है, अपने लिए जो राह बनाई है उसी पर चलकर। बस करो मास्टर, बस करो, बेकार की भाई की भाई की बातें। तुमने देखा है महापुरुषों को? तुम्हें मालूम है वो कैसे जीते थे, कैसे चलते थे? ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सीधी और साफ बात तो कह रहा हूं। असल में आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये सब समझने के लिए ये सब समझने के लिए तुम लोगों की तरह अंग्रेजी पढ़ी होगी। बित्ते भर का छोकरा मुझे अंग्रेजी का रोब दिखा रहा है। बेकार बकवास बातें।
उसके बाद क्या हुआ सर? बस बच्चों, आज यहीं तक। बेटे असीम, ऐसा उदास चेहरा लेके अकेले कमरे में क्यों बैठे हो? घर क्यों नहीं जाते? बस अभी थोड़ी देर में चला जाऊंगा खुश बाबू। क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है? मन ठीक नहीं है खुश बाबू। क्या हुआ? आज सेक्रेटरी साहब से थोड़ी झड़प हो गई। मैं पढ़ा रहा था, अचानक क्लास में घुस आए, सुनते रहे मैं कैसे पढ़ाता हूँ, और फिर मेरी बात काटते हुए नाराज होकर चले गए। ये बात मुझे बहुत अपमानजनक लगी। बस इतनी सी बात? अरे ये तो कुछ नहीं है, आगे आगे देखते जाओ, अभी नए नए आए हो ना, नाक में दम करके छोड़ेंगे, इसलिए तो कोई हेडमास्टर यहां टिकता ही नहीं। अच्छा घोष बाबू, मैं चलता हूं, वो समर बाबू बीमार है ना, उन्हें देखने जाना है। जाओ भाई। प्रशांत सर, आप तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इधर मेरा घर है सर, आइए ना अंदर, आइए आइए ना सर, आइए ना। दीदी दीदी, हेडमास्टर सर आए हैं। अरे आप आइए, आइए ना। नमस्कार, आपके सितार की मीठी तान मुझे आप तक खींच लाई। बैठिए ना, आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। तुम्हारे बाबा घर पर नहीं है? बाबा तो कलकत्ता गए हुए हैं। और तुम लोग यहाँ? हाँ सर, वैसे दीदी तो कलकत्ता रह रही थी। अच्छा अच्छा, फिर यहाँ कैसे? उनकी एमए की परीक्षा खत्म हो गई ना, इसलिए यहाँ चली आई। अच्छा, तुम्हारी दीदी का नाम क्या है? कल्याणी। कल्याणी, तुम्हारी दीदी सितार तो बहुत अच्छा बजाती है। दिन में सितार ही बजाती रहती है। ये प्रशांत मेरी शिकायत कर रहा था ना? नहीं नहीं, आपकी तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि आप सितार बहुत अच्छा बजाती हैं, तो मैंने कहा कि जरूर सुनेंगे। झूठ। क्या झूठ? ये मेरी तारीफ कर ही नहीं सकता, इसे तो मेरे सितार की टुनटुन अच्छी नहीं लगती। लीजिए। लेकिन सितार सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक दिन मैं आपका सितार जरूर सुनूंगा। ठीक है, जितना जो भी आता है सुना दूंगी आपको किसी दिन। किसी दिन माने आज नहीं? आप क्या फिर कभी नहीं आएंगे यहाँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। आपसे अचानक इस तरह मुलाकात हो जाएगी, मैंने कभी सोचा भी ना था। मैं समझा नहीं। अच्छा एक बात बताइए असीम बाबू, इतनी ऊंची शिक्षा लेकर आप यहाँ इस गांव में क्यों आए हैं? यहाँ क्यों आया हूँ? बात यह है कि मैं अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहता था, सारे झमेलों से दूर एक सुख शांति की जिंदगी। और एक बात पूछूं? पूछिए।
सीमा जी कहाँ है? सीमा को आप कैसे जानती हैं? आप लोगों की बातें थोड़ी बहुत मुझे मालूम है। यूनिवर्सिटी की छात्र मंडली में आप लोग आइडियल माने जाते थे, काफी लोग आपसे ईर्ष्या भी करते थे। अच्छा, सीमा जी ने क्या ब्याह कर लिया है? हाँ। कहाँ? मालूम नहीं। हम लोगों के साथ फर्स्ट ईयर में एक लड़की पढ़ती थी, सीमा जी की मौसेरी बहन। अचानक उस लड़की ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। उन्हीं दिनों सीमा जी के साथ। लगता है आप बहुत कुछ जानती हैं। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि मैं आप लोगों से बहुत पीछे नहीं थी? चलिए छोड़िए सब बातें। चलो छोड़ दी, मैं तो सिर्फ कारण जानना चाहती थी। हाँ, अगर आपको बताने में कोई आपत्ति है तो। दरअसल हर कोई बंधी बधाई लीक पर चलना चाहता है, जरा सा इधर उधर होने पर वो परेशान हो उठता। सीमा से मैं इसी बिंदु पर छूट गया। वो चाहती थी मैं आईएएस का इम्तिहान दे डालूं। और आप? मैं अपने हिसाब से जीने का मौका चाहता था। और सीमा जी क्या चाहती थी? अफसरी की बंधी मधाई राह, सोशल स्टेटस। वैसे आंखों पर पट्टी बांध लेता तो इस तरह चलने में कोई परेशानी भी नहीं थी, लेकिन इस सबसे परे भी कोई जीवन हो सकता है, ये सीमा की समझ से परे था। उसका हिसाबी मन इतना बड़ा खतरा मोल लेने को तैयार नहीं हुआ। सीमा जी इतने से त्याग के लिए अपने आप को तैयार क्यों नहीं कर पाई? सीमा ने भी यही सवाल मुझसे किया था कि मैं इतने से त्याग के लिए अपने आप को तैयार क्यों नहीं कर पाया। ये सब बात याद दिलाकर मैंने शायद आपको बहुत तकलीफ दी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यादों के लैंडस्केप पर धूल मिट्टी की बहुत सी परतें जम चुकी हैं। अब तो वो तस्वीर भी धुंधली पड़ गई है, लेकिन मैं मजे में हूं। ऐसा नहीं कि सीमा की याद ना आती हो। अपनी स्टडी की खिड़की पर खड़े हुए जब दिन के माथे पर शाम का गहराता हुआ साया देखता हूं तो लगता है एक समय वो भी था जब हम दो दिन नहीं मिल पाते थे तो कितना अजीब लगता था, और आज आज कितनी बड़ी दूरी है। खैर, आज आपसे भेंट हुई, मेरा मन और मुझे समझने वाली मेरी एक मित्र यहां है, ये मुझे हमेशा याद रहेगा। अच्छा तो मैं चलूं, समर बाबू के यहां जाना नहीं हो पाएगा, काफी देर हो गई है। हरदन काका मेरा इंतजार कर रहे होंगे। असीम बाबू, आप फिर आएंगे ना? हाँ, क्यों नहीं, आपसे सितार जो सुनना है। ये प्रशांत दिखाई नहीं दे रहा? वही बाहर खेल रहा होगा, आप जरा धमकाइएगा तो पढ़ाई करे। अच्छा, नगर स्कूल के चार लड़कों को संस्कृत में वो क्या कहते हैं भाई उसको, वो अरे भाई वो, अरे तारीफ की चिट्ठी होती ना, मेरिट सर्टिफिकेट। हाँ हाँ, वो भी मिला है। लेकिन अपने स्कूल के लड़कों में से तो भाई किसी को गणित में मिला है, इतिहास में मिला है, लेकिन संस्कृत में नहीं मिला। क्यों नहीं मिला मास्टर? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो तब तक यहाँ आया भी नहीं था। हाँ
देखना मास्टर, स्कूल में पढ़ाई ठीक हिसाब से होती रहे। ये जो अपने घोष बाबू है ना, संस्कृत के जो पढ़ाते हैं जो घोष बाबू, बहुत नागे करते हैं। हाँ, वो अपने समर बाबू स्कूल में आ गए? नहीं, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कौन देखता है उनकी क्लास? मैं देखता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। इससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा। स्कूल को अपना ही समझना मास्टर। अगर तुम चाहो तो अपने समर मास्टर के यहाँ कुछ रुपये भी भिजवा देना। हाँ जी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हेडमास्टर साहब? आप तो अंदर आ चुके हैं। मुझे आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है। तो कीजिए, उसमें अड़चन क्या? जरा दरवाजा बंद कराओ। ठहरिए, दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं है। अब बोलिए, क्या बात है? आपका नाम क्या है, काम क्या है, क्या चाहते हैं आप? आपने तो इतने सारे सवाल एक साथ कर डाले हैं हेडमास्टर साहब। मैं गांव गवाई का आदमी हूं, एक एक करके ही आपके सवालों का जवाब दूंगा। मेरा नाम है तिनकवड़ी, गरीब आदमी हूँ। मेरा एक छोटा सा छपाखाना है, आप जैसे बड़े लोगों की कृपा से उसे चलाता हूँ। तो चलाइए, इसमें अड़चन क्या है? कैसे चलाऊं? जब आप ही लोग मुझ पर से कृपा के हाथ उठा ले तो कैसे चलाऊं छपाखाना? अच्छा, तो आप वही तिनकवड़ी महाशय हैं जिनकी प्रेस में हमारे स्कूल के पर्चे छपते हैं? छपते हैं नहीं, छपते थे कहिए। हाँ, मैं वही मुंह जला तिनकवड़ी हूँ। मेरी छोटे छोटे बच्चे हैं, बस यही प्रार्थना है कि आप उनके पेट पर लात ना मारे। देखिए तिनकवड़ी महाशय, मैं जो भी निर्णय लेता हूँ बहुत सोच समझ कर लेता हूँ। मेरे स्कूल के पर्चे आपके छापेखाने में नहीं छपेंगे, ये मेरा निर्णय है। हेडमास्टर साहब, ऊंचे व्यक्ति अपने निर्णय पर हमेशा पर्वत की तरह अचल रहते हैं, लेकिन ऐसा है कि साहब, जिसे फांसी की सजा सुनाई जाती है उसे भी तो अपील करने का अधिकार है। तो आप अपील करने आए हैं? जी हाँ। प्रमाण दूं? ये बताऊं आपको मैं कि किसने आपको कितने पैसे दिए? मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि कब, कहां, किस समय किसने आपको कितने पैसे दिए? बताऊं? उस सब की जरूरत नहीं है हेडमास्टर साहब। मैं समझ गया हूं कि आपकी अदालत में मेरी अपील खारिज हो गई है। बस चलते चलते यही प्रार्थना करूंगा कि मनुष्य के मन में दया धर्म जरूर होना चाहिए। आपके मन में भी है, मैं जानता हूं, लेकिन इस समय आप क्रोध में हैं। 2-3 दिन बाद आपका क्रोध शांत हो जाएगा, मैं तब दर्शन करूंगा आपके। नमस्कार। बबुआ, ये चिट्ठी पूरी हो गई तो हम खाना लगा दें? बस हरदत काका, थोड़ी देर और, इसके बाद माँ को चिट्ठी और लिख दो। तो ये चिट्ठी किसे लिख रहे हो? नितिन को। जब से आया हूँ एक लाइन भी नहीं लिखी। अच्छा, तो इसीलिए इतनी लंबी चिट्ठी लिख रहे हो। आप तो काफी समझदार हैं हरदत काका। कल्याणी बहुत ही सुशिक्षित और सुसंस्कृत लड़की है। अभी तक उससे एक दो बार ही भेंट हुई है, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लगने लगा है जैसे मैं उसे युग युगांतरों से जानता हूं। बहुत ही स्नेहमयी और इतना अच्छा सितार बजाती है कि मैं उसकी प्रशंसा के लिए
सही शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूं। उसका सितार सुनने पर मन को एक विचित्र सी शांति प्राप्त होती है। ऐसा लगता है जैसे मन के सब बंधन शिथिल हो गए हो, खुल गए हो। असीम बाबू, मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ ना। स्कूल के पास से निकल रही थी, सोचा अब आपसे मिल लो। अच्छा अच्छा, बैठो। मास्टर, ओ मास्टर, ए मास्टर, रानी बिटिया। अरे बैठो बैठो, कलकत्ते से कब आई? बस कुछ ही दिन पहले। परीक्षा हुई? जी। जानते हो मास्टर, इनके पिताजी हमारे बहुत अच्छे जानकार है। ये मास्टर को क्या पहले से जानती थी? जी नहीं, यही परिचय हुआ है। अच्छा मास्टर, वो जो आदमी है ना, वो जो, अरे भाई जो, क्या नाम है उसका वो, अरे जिसके यहाँ तुम लोग पर्चे वर्चे छपाते हो। तीन कौड़ी महाशय? वो तीन कौड़ी। अरे भैया, वो आदमी सुबह मेरा पैर पकड़ कर बैठ गया और क्या रोना। अरे बाप रे, लगता है तुमने उसका कुछ काम कैंसिल कर दिया। हा? जी हाँ। क्यों भैया? अरे वो आदमी तो बहुत दिनों से अपने यहाँ काम करता आ रहा है। उसे अब काम नहीं दिया जाएगा। मगर मैंने तो उसे जबान दे दी है कि उसे दोबारा काम दिलवा दूंगा। आपने मुझसे पूछे बगैर जबान दी क्यों? क्यों, इसमें तुमसे क्या पूछना है? इसलिए कि छपाई का काम हेडमास्टर ही देखता है। सुनो मास्टर, वो 3-5 कायदे कानून मैं कुछ नहीं समझता। उस आदमी तीन कोड़ी को पहले की तरह काम दे दिया जाए, यही कहना है मुझे। हरगिज नहीं। उसके जितने पैसे बनते हैं उसकी प्रेस में भिजवा दिए गए हैं। फुल एंड फाइनल पेमेंट की रसीद भी ले दी गई है। अब उसे काम नहीं दिया जाएगा, बात खत्म। तुम्हारे कहने से बात खत्म हो गई? अरे वाह। सुनो मास्टर, मेरी बात तुम्हारी बात से ऊपर है। अच्छा तो मैं चलूं? चलो, मैं भी चलता हूं। तो मैं चलूं सेक्रेटरी साहब? हाँ हाँ, जा। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने तीन कौड़ी को जबान दे दी है। सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन मेरी जबान खाली नहीं जा सकती, समझे? जानते हो कल्याणी, उस तिनकौड़ी महाशय ने सारे क्वेश्चन पेपर आउट कर दिए। हाय माँ, ये बात आपने प्रसन्न बाबू से क्यों नहीं कही? नीलकंठ की तरह सारा जहर अपने ही गले में उतार दिया, यही ना? आपको जितना अधिक देख रही हूँ असीम बाबू, उतना ही आश्चर्य में पड़ती जा रही हूँ। चल। दिखाई दिया या नहीं? जी हाँ, देख रहा हूं। मैं कहता हूं कि सारी की सारी छत किसी दिन बच्चों के सिर पर न गिरे तो कहना,
खून की नदी न बहे तो कहना, सब बेमौत मरेंगे। जिस चीज को मैं नहीं देखता उसी में गड़बड़ हो जाता है। मुनीम जी कहाँ है? हम उनसे कुछ कह रहे थे मालिक। मुनीम जी आप जरा मेरे कमरे में आइए। जी जी हुजूर। क्या बात है बाबू, बहुत परेशान लग रहे हो। समझ में नहीं आता हारा धंधा क्या करूं। क्यों, यहां मन नहीं लगता क्या? नहीं नहीं आप समझे नहीं, स्कूल में तो बहुत मन लगता है तब, पर कभी कभी कोई ऐसी बात कह देता है जो चुपती है, मन अशांत हो जाता है। जिसने जो भी कड़वी बात कही हो उसको भूल जा बाबू। देखो भूल जाने में सुख है, जितने ही याद रखोगे उतना ही दुख पाओगे। लम खाना गर्म करके लाता हूं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बाबू सब ठीक हो जाएगा। दास बाबू, ए दास बाबू। कौन? हुजूर, हुजूर तुम्हारे खेतों में उल्लू चराएंगे और तुमसे कहेंगे कि अब जब आप स्कूल आए तो आते वक्त बिस्तर भी साथ लिया। तुम भी आ गए, देखो कैसा चल रहा तुम्हारा स्कूल। दास बाबू तो नाग बजाते हुए क्लास में गहरी नींद ले रहे हैं और इसीलिए मैं इनको महीने के महीने तनख्वाह देता हूँ। काम चोर सब। आप जरा शांत रहिए, मुझे पूछने दीजिए। दास बाबू, मेरी जरा आंख लग गई थी बेटा। अच्छा आप जरा मेरे कमरे में आइए। प्रसन्न बाबू आप भी आइए, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि स्टूडेंट्स के सामने टीचर का अपमान हो। आइए। सुन लो मास्टर, महीने भर की तनख्वाह जेब में रख के क्लास में सोना नहीं चलेगा। ऐसे कामचोर की मुझे जरूरत नहीं। मतलब मेरी भाषा नहीं समझते? मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ,
इसे विदा करो, लेना देना चुका कर। ठीक है, मैं मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग बुला लेता हूँ। क्या कहा? मुझे कमेटी का डर दिखा रहे हो? सुन लो मास्टर, मैं कमेटी अमेटी कुछ नहीं मानता। तो फिर मैं भी गैर कानूनी काम नहीं कर सकता? अरे कानून वानून फिर दिखाना, ये मेरा हुक्म। मैं आपका नाजायज हुक्म नहीं मान सकता। क्या नहीं मान सकते हो? तो तुम भी यहाँ नहीं रह सकते, तुम भी जाओ। सत्रह घटा छह ये हो गए ग्यारह। सब बच्चे अगला सरल अपनी कॉपी में कल लिख कर लाएंगे, ठीक है? पीरियड खत्म होने में दस मिनट बाकी हैं, तो क्या करें? सर, आप कहानी सुनाई। अरे मास्टर, हे मास्टर, छुट्टी का वक्त हो रहा है, अब क्या पढ़ा रहे हो? जरा खिसक के बैठ बैठ, मैं भी जरा सुनू। मास्टर सुनाओ जरा। अरे कठपुतली जैसा खड़े क्यों रह गए? सुनाओ सुनाओ। क्या हुआ? बुद्धू जैसे खड़े क्यों हो? बोलो ना कुछ। आप इस वक्त मेरी क्लास में क्यों आए हैं और किससे पूछ कर आए हैं? मेरी खुशी? मैं चला आया, इसके लिए मुझे तुम्हें सफाई देनी होगी। स्कूल किसका है, मेरा या तुम्हारा? इस स्कूल का हेडमास्टर मैं हूं, इस वक्त ये स्कूल मेरा है। आप कृपया बाहर चले जाइए यहां से। क्या क्या मुझे तुम बाहर निकाल रहे हो? तुम जानते हो तुम किससे बात करते हो? बहुत अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन पहले आप बाहर जाइए। समाचार, यू प्लीज गेट आउट फर्स्ट। आप पहले बाहर जाइए यहां से, मैं और नहीं जा सकता। ठीक मेरे पढ़ाने के वक्त आप क्लास में चले आते हैं मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। यह शोभनीय है, असहनीय है, बेहद इंसल्टिंग है मेरे लिए। आई से गेट आउट फर्स्ट। मास्टर मास्टर, तुमने तुमने मुझे निकाल, मास्टर तुमने मुझे क्लास से निकाल दिया। मास्टर तुमने मुझे क्लास से निकाल दिया। मास्टर निकाल दिया मुझे। चिट्ठी प्रसन्न बाबू को दे और जाते। अब मैं और नहीं सह सकता। ये लो, खड़े सोच क्या रहे हो? जाओ ना, ये सारा सामान बांधना है, अब हम यहां नहीं रहेंगे। सर हुआ क्या? ठीक है, चिट्ठी देकर अभी आता हूं। राधन काका, इस समय इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? हम लोग जा रहे हैं रानी बिटिया। जा रहे? कहाँ? कब? क्यों? अरे बिटिया, हम ठहरे मूर्ख गंवार जैसी, हमें क्या मालूम? गुस्से के मेरे पता नहीं क्या कर रहे हैं बाबुआ। उस सेक्रेटरी के नाम पर एक चिट्ठी दी है मुझे, बोला जल्दी जाकर उनको दे दो, तो उन्हीं को देने जा रहा था। कैसी चिट्ठी? पता नहीं, लेकिन बहुत गुस्से में लिखा है चिट्ठी। कहीं इस्तीफा तो नहीं दे दिया? क्या पता। अरे ये क्या बात हुई, लेकिन इस वक्त क्या किया जाए? सुनो, मैं कल सुबह आऊंगी। लेकिन सुबह तो हम लोग जा रहे हैं बिटिया। असीम बाबू से थोड़ी देर रुकने के लिए कहना,
जब तक मैं ना आऊं, समझे? हाँ समझ गया, अभी मैं जाता हूँ, नहीं तो बाबूआ सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी देर कहाँ लगा दी। हाँ हाँ तुम फौरन जाओ, ये चिट्ठी मैं सेक्रेटरी साहब को जरूर दे दूंगी। अच्छा मास्टर, तुम जा रहे हो? जी हाँ जा रहा हूं। मगर क्यों? मैं तुम्हारी क्लास में चला जाता हूं इसीलिए। नहीं बेटे, देखो बेटे, बूढ़े लाचार आदमी की बातों पर ऐसे नाराज नहीं होते। मैं तो तुम्हारी बातें सुनने चला जाता था, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। ऐसे तो स्कूल में इतने मास्टर है, कितने हेडमास्टर आए और गए, मैं तो किसी के क्लास में नहीं गया, एक बार भी नहीं। दरअसल मास्टर, तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो, कितने ज्ञान की बातें बताते हो। तुम्हारी बातें सुनते मैं इतना सोचता था कि वो जो लड़के हैं ना, उन लड़कों की तरह अगर मैं भी कभी अपना बचपन लौटा पाता तो। ये आप क्या कह रहे हैं प्रसन्न बाबू? ठीक कह रहा हूं मास्टर, बिल्कुल सच कह रहा हूं। मास्टर तुम नहीं जानते, जब मैं छोटा था मुझे लिखने पढ़ने का कोई भी मौका नहीं मिला, बस यही गाय बैल चराते, लोगों के घरों में मजदूरी करते दिन बीते। और फिर जब बड़ा हुआ तो खेतों में हल जोतने के काम में लग गया। सारी उम्र कैसे बीत गई पता नहीं चला, कुछ भी पता नहीं चला। और मास्टर मैं लिखना पढ़ना नहीं सीख सका। दुनिया में कितना ज्ञान बिखरा हुआ है, कितनी किताबें, मेरे पास आंखें हैं, फिर भी मैं अंधा हूं, कुछ नहीं जान सका मास्टर, कुछ कुछ भी नहीं। आप चुप क्यों हो गए? कहते जाइए। इसीलिए मैं क्लास में जाकर बैठ जाता हूं और किताबों की बातें सुनता हूं, और कान में ज्ञान की बातें पड़ती रहती है, मुझे बहुत सुख मिलता है मास्टर, बहुत सुख। मास्टर कोई तुम्हारी तरह मन से नहीं पढ़ाता, मन से नहीं समझा पाता। चुप क्यों हो मास्टर, कुछ तो बोलो। मैं बीमार आदमी हूं, मन से भी और तन से भी। मुझे चिंता थी कि स्कूल का क्या होगा, जब तुम आए मुझे भरोसा मिला ये आदमी मेरा दुख जरूर समझेगा, स्कूल को नष्ट नहीं होने देगा, जिंदा रहेगा,
आगे बढ़ाएगा। लेकिन तुम जाना चाहते हो और मुझसे नाराज होकर तो जाओ तुम। मेरी किस्मत ही ऐसी, जाना चाहते हो तो जाओ भैया, लेकिन जहां भी जाओ सुख से रहना। और मैं क्या कह सकता हूं, हाँ कुछ नहीं। सामान क्यों बंधा हुआ है? क्या आप सचमुच जा रहे हैं? नहीं। फिर? मैं अब यहीं रहूंगा। सच? मैं रुक क्यों गई? बोलो ना, कुछ कहो ना। हर बात क्या कहकर बताई जाती है? अरे ये खिड़की क्यों बंद है? मैं इसे खोल देती हूं। अरे वाह, कैसी सुहानी भोर है, कैसी उमड़ती हुई धूप। देखिए तो असीम बाबू, सारा घर जैसे भर गया है। Thank you.